राजधानी रायपुर के अंबेडकर चौक पर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता मौजूद थे। धरने के बाद कांग्रेस ने राजभवन की ओर कूच किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। वहीं राजभवन गेट पर पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी हो गई। इसे लेकर रायपुर संवाददाता चित्रा पटेल ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से खास बातचीत की है। कल कांग्रेस पार्टी आज देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है। आज राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी रवाना हो चुकी है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, तमाम नेता जो है पैदल मार्च कर राजभवन का घेराव करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद है पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम। बढ़ते महंगाई को लेकर आज कांग्रेस पार्टी रोड में उतर आई लड़ाई। देखिए, आम जनता की लड़ाई, देश की जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। आम जनता को कैसे राहत मिले, कांग्रेस पार्टी शुरू से लड़ रही है। हमारी मांग है खाने पीने की वस्तुओं में केंद्र सरकार जीएसटी कम करे और आम जनता को राहत दे, हमारी मांग है। आप लोग कह रहे हैं कि किसान के साथ आप लोग मोदी सरकार महंगाई के साथ? हाँ, मोदी सरकार महंगाई के साथ है और 2023 और 2024 में देश की जनता की बददुआएं लगेगी और मोदी सरकार पार होगी। आप देख सकते हैं पिछले देखा मोहन मरकाम से ही तो तमाम जो है कांग्रेस के पदाधिकारी आज पैदल मार्च निकालकर राजभवन का घेराव कर रहे हैं। महंगाई, बढ़ती महंगाई और अग्नि योजना और जीएसटी, जो दूध दही और घी में जो जीएसटी लगाया जा रहा है, इसके लेकर केंद्र सरकार के जन नीति के खिलाफ जो है कांग्रेस पार्टी ने आज रोड पे उतर के मोर्चा खोल लिया और राजभवन का घेराव करने के लिए पैदल मार्च निकल रही है। कैमरामैन अजहर के साथ मैं चित्रा पटेल, एमके न्यूज रायपुर।